नमस्कार आदाब, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस मनोरंजन से भरपूर शो फिल्मनामा में, जहां हम आपको बताएंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स के बारे में और साथ ही करेंगे इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। पिछले दिनों दिल्ली में एक भारत मेरा भारत सॉन्ग रिलीज किया गया, जिसके प्रोड्यूसर हैं शैलेंद्र सिंह। ख्वाहिशों के मुसाफिर। इस गाने को कंपोज किया है मशहूर म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने और आवाज दी है मल्टी अवार्ड विनिंग सिंगर सुखविंदर सिंह, मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और उभरते गायक गॉड्सविल ने। सईद कादरी द्वारा लिखे गए इस गीत में भारतीय एकता और संस्कृति को दर्शाया गया है, जिसे भारत के 22 अलग अलग शहरों में शूट किया गया है। ख्वाहिशों के मुसाफिर, तू जरा रुक जा, मुड़ के देख दोबारा मुझे, मैं हूँ गैर कहाँ, जो तू सागर मैं दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता, जो तू सावन मैं भीगी हवा, यही तो तेरा मेरा है वास्ता। We gotta light the fire, we gotta be the flame, we gotta stand together, cause we're all the same. Gotta start believing, for this is why we came. We gotta stand together forever, win the game. Oh, 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 oh. सबसे पहले तो दूरदर्शन को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और पहली बार शायद मैं दूरदर्शन से बात कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा बचपन दूरदर्शन देख के निकला है और दूरदर्शन ने हमको नेशनलिज्म सिखाया है, एक बड़े बड़े रूप में नेशनलिज्म सिखाया है दूरदर्शन में, क्योंकि बचपन में दूरदर्शन में जो भी एड्स चलती थी, जो भी म्यूज़िक आता था, वो बहुत ही नेशनलिस्ट म्यूज़िक हो जाता था, अपनी भारत की बात करता था। इस एंथम से जुड़ कर के मुझे सिर्फ गर्व फील होता है खुद पर, और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर बहुत गर्व फील होता है कि मैं इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ करके, इस तरह के प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व होकर के इस तरह से म्यूज़िक को रीच देना चाह रहा हूँ। ये गाना हमने कोई इसमें बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं रखा है, इस गाने में हमने बहुत सारी चीज़ें जो एक यूजुअल कमर्शियल सॉन्ग में करते हैं वो नहीं करी है, क्योंकि हमारा बिलीफ है कि शायद इस तरह के गाने में जब हम लोग जब इस तरह का गाना बाहर आता है तो हिंदुस्तानी खून अपने आप इसको आगे बढ़ाता है और एक मैसेज स्प्रेड करता है। जो तू सागर मैं दरिया तेरा, जो तू मंजिल मैं हूँ रास्ता। मुझे लगता है जो मेरी आवाज़ में सच्चाई है, जो मेरी गायकी में सच्चाई नज़र आती है लोगों को, वो शायद सिर्फ फोक म्यूज़िक की वजह से है, जो उत्तराखंड से है, हिमाचल से है और पहाड़ों से है, बेसिकली रूट से है, बनारस से ले लीजिए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ फोक म्यूज़िक के साथ, क्लासिकल म्यूज़िक के साथ, उसमें सिंप्लिसिटी होती है। जब भी गाने में एक सिंप्लिसिटी होती है उसमें एक इमोशन होता है, जब भी गाने में इमोशन होता है तो वो गाना हमेशा कनेक्ट करता है। हमारा गाना भी इसी तरह से है, उसमें एक सिंप्लिसिटी है, एक इमोशन है, इसलिए जब आप उसे देखते हो तो ऐसे मल्टीपल मोमेंट्स आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि गूज़बम्स हो रहे हैं, आपको एक फील आ रही है। तो मुझे लगता है ये एक एफर्ट है, और अभी अगर यंगस्टर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो तू सावन में भीगी हवा, यही तो तेरा मेरा है वास्ता। जब तक मैं संगीत सीख रहा था या जब तक मैं गाना गा रहा था, तब तक मैं अच्छा कर रहा था, अच्छा गाता था, लेकिन जिस दिन मैंने संगीत को सेलिब्रेट करना शुरू करा, उसको इन्जॉय करना शुरू करा, उसके बाद शायद मेरी टोन ऐसी हो गई, मेरी वॉइस ऐसी हो गई, और शायद इसलिए शायद वो कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। सो इन्जॉय करिए, संगीत को इन्जॉय करिए, और ख़ुद से कनेक्ट कर सकते हैं आप संगीत को।
पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद की एक थॉट आपने ये आपके जहन में पैदा हुआ और इसको लेके आए। इतने देशभक्ति गाने जैसे हम सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं, है ना, लता जी हो या मेरे देश की धरती, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना, फिर बाद में अभी ए आर रहमान जी भी कैरी ऑन कर रहे हैं, मातो जी सलाम, बहुत बड़े गाने जी जी जी। तो कैसे एकदम अचानक से ये ख्याल आया, काफ़ी टाइम से इसका प्रिपरेशन आपके दिमाग में चल रहा था कि कहीं ना कहीं एक ऐसा थॉट ले आपके जहन में जन्म ले रहा था, पैदा हो रहा था कि एक यूनिटी को, एक हिंदुस्तान की एकता को जो रिप्रेजेंट करता हो वो एक गाना मैं नेशनल एंथम लेके आऊँ? नहीं, मुझे लगा था कि मैंने एक हेडलाइन पढ़ी थी कि 600 मिलियन यंग लोग हैं हिंदुस्तान में 25 की उम्र के नीचे, तो वर्ल्ड की सबसे यंग आबादी हिंदुस्तान में है। अब यंगस्टर क्या चाहता है? पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, होप, आशा, उम्मीद, खुशियां, जॉय, मतलब यंगस्टर एनर्जी चाहता है। और मुझे लगता है कि हमारा जैसा बड़ा विशाल देश एक एनर्जी से चलता है। अगर हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है तो अगर उनकी पॉजिटिव एनर्जी हो, वो एक दूसरे से मोहब्बत करें, देश से मोहब्बत करें, देश को सेलिब्रेट करें, तो सोचो हमारा देश कहाँ होगा, सबसे विशाल देश होगा धरती के ऊपर। तो उस सोच से मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं, और म्यूज़िक जैसी कोई चीज़ ही नहीं है जो इंस्टेंट जोड़ती है, म्यूज़िक तो सबके दिल में बसता है, दिमाग में बकता है, शरीर में बसता है, तो मुझे लगा एक ऐसा गाना बनाया जाए। तो 1.5 साल लगे गाने बनाने में, फिर मैंने वीडियो खुद जाके 21 शहरों में शूट किया, लिखा, और बड़ा आनंद आया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मैं पूरा वर्ल्ड देख चुका हूँ, हिंदुस्तान जैसा कोई देश ही नहीं है, और हमारे लोग चाहे बनारस में हों या ऋषिकेश में हों या केरला में हों या पंजाब में, माइंड ब्लोइंग। हाँ, और मेरी ख्वाहिश यही है कि कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है और हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, हमें हर चीज़ से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो हमें अपने खान पान, दोस्तों से, परिवार से, पेड़ से, जानवरों से मोहब्बत के लिए तो पैदा हुए थे हम लोग, और हम मोहब्बत से ही तो पैदा हुए थे, तो बाकी सब टाइम पास क्या चालू है यार, हमें तो सिर्फ मोहब्बत करनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। हर मनुष्य इस गाने से और वीडियो से एक अपनी ही एनर्जी ढूंढ लेगा। जैसे मेरा फेवरेट शॉट एंड में है, जब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हमारे झंडे हैं रिलीजन के, वो हिंदुस्तान का झंडा बन जाता है। मुझे लगता है कि देश पहले, बाकी सब बाद में। तो अलग अलग चीज़ें इससे लोग उठाएंगे और उसकी लुफ्त लेंगे, और मेरी तो एक ही ख्वाहिश है सब लोग से कि इसे शेयर करें अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज ये एक पॉजिटिव एनर्जी है और इसमें कोई कॉमर्स नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं है, ये दिल से बनाया है। मुझे लोग बहुत डांट रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया गाना था, इसमें तुम बहुत कमा सकते थे। मैंने बोला बनाते बनाते ही कमा लिया मैंने। विचित्र हम लोग हिंदुस्तानी लोग, मतलब बहुत ही आनंद आया, सब रिलीजन के लोग, मज़हब के लोग, कोई अमीर गरीब, पता नहीं। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है कि किसी भी दरवाजे पे आप खटखटाएं, आपको 2 रोटी और अचार मिल जाएगा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और तकलीफ़ें सिर्फ ट्रैवल में हुई, मतलब तकलीफ़ें ज़मीन पे नहीं हुई, मतलब चाहे वो -14 हो या +45 था केरला में, वो सब नहीं। जो आनंद आता है मुझे लगता है कि लोगों से आता है और लोगों की एनर्जी से आता है, और वो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब वो लामा जी से मिला, 82 ईयर की उम्र थी उनकी, या फिर कुंभ से शुरू किया मैंने, शाही स्नान पे 4 करोड़ लोग थे 4 मार्च को, तो उसका तो अलग ही गेम था वो, मतलब डाइवर्स है और फिर एक है, खाना अलग खाते हैं, बात अलग करते हैं, विचार अलग हैं, लेकिन एक हैं। तो बस मेरे को तो लगता है कि ऐसा कोई देश है ही नहीं धरती पे, देर इज़ नो अदर कंट्री लाइक इंडिया ऑन द होल प्लानट। वैसे तो कादरी साहब जिन ने गाना लिखा, वो भी नामचीन हस्ती हैं, तो और वो और मिठुन जी ने एक अपना ही माहौल बना लिया इस गाने का, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, और वो कैप्टन रहे इस गाने को आगे ले जाने के लिए और एक ऐसा गाना बनाना जिसमें कि एक जीत महसूस हो। तो आई थिंक पूरा क्रेडिट मिठुन को जाता है कि उनने इस किस्म की टैलेंट को जोड़ा, मगर जुड़ने के बाद अब नज़र आ रहा है कि जो गायक हैं वो कंपोजर से भी आगे जा रहे हैं एनर्जी में, आपने देखा होगा आज कि आई थिंक, तो एक बहुत ही अच्छा माहौल बना है, और भगवान की दया से, ऊपर वाले की वजह से, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज होता है ना कि सही लोग सही जगह पे सही चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन बैठा है इस गाने में। इस गाने को रिलीज किया क्रिकेट जगत की मशहूर हस्ती कपिल देव ने। Thank you very much inviting me and giving me opportunity to see this. Even I seen on the phone. But I think this is really very touching. I was trying to close my eyes and want to get into that rhythm. It's a beautiful, I think our country is very rich, but sometimes people forget. And showing something like that, you realize that, you know, how much value we can put to our country and to tell the entire world how important it is to live together. मैं बोलना चाहूँगा कि जब
छोटा था मैं, बहुत छोटा, तो उस वक्त दूरदर्शन पे एक वीडियो चला करता था और उसमें मैं शायद 2 या 3 या 3-4 साल का रहा होगा, वेगली मुझे याद है, उसमें कपिल पाजी ही वॉज पार्ट ऑफ अ वीडियो विच स्टूड एज एक प्रतीक था, भारत की एकता का प्रतीक था उस टाइम पे। उस वक्त मैंने उनको देखा था मशाल लिए हुए, अगर आप लोग को हल्का सा याद है जी। और इतने सालों के बाद आज जब मैं एक यही पैगाम शैलेंद्र के साथ लेकर आया हूँ और उस मंच पे अगर कपिल पाजी स्वयं यहाँ पर है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई फील वेरी हैप्पी। अपने म्यूजिक को मैंने हमेशा मैसेज ओरिएंटेड रखा है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू एंड आई वॉन्टेड टू एड अ पैरेलल स्ट्रीम टू माई म्यूजिक, वॉट शुड आई स्पीक अबाउट। और काफ़ी सालों से लोग अलग अलग प्रपोजल्स मेरे पास लेके आ रहे थे, लेकिन मेरा म्यूजिक जो है वो प्रपोजल ओरिएंटेड नहीं है, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द हार्ट। और व्हेन शैलेंद्र केम टू मी, इनके पैशन को देखकर, इनके अंदर सच्चाई को देखकर, उन्होंने कहा कि मिथुन देश के लिए गाना बनाना है। और उन्होंने और कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई मेरे को स्टैटिस्टिक्स नहीं दिखाए, कोई नंबर्स नहीं दिखाए, कोई पैरामीटर्स नहीं दिखाए, बस उनकी आंखों के अंदर जो जुनून था वही मुझे कन्विंस कर गया। मैंने कहा मैं अब जो भी है हमको साथ में करना, वी डेफिनेटली हैव टू डू दिस। तो वहां से हमने इसकी शुरुआत की। और पैगाम कोई नया नहीं है, पैगाम यही है कि भारत एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। So from the inception of the song, I was very excited about the song, and I was also excited, and I've been assisting Mithun sir for about 3 years now, and from the time I got to sing, from the time I watched Zubin dub, also there's a choir over there, so I asked, so should I go and stand in the choir, and I'll sing in the choir also. So when I sang in the choir, then girls were singing in the room, so I'll go there. He said, yeah, go and sing. So I went and I sang the falsetto. So for everything, even the production, I was involved. So from the beginning of the project till now, I was very excited to be a part of this project, and I'm very excited and happy and privileged to be to have this debut with Jubin and Sukhwinder Singh and my mentor Mithun and Sharinder Singh, and it's an honor to be a part of this project. There are a lot of great things coming together in this song, and I just feel happy to be a part of it. I'm just feeling happy that I'm here right now, and I think I want to give one message to my generation that this is where we came from, and we should never forget that. And since we have sir, I met sir recently in an airport, and I told sir I'm such a big fan of you. Every time I meet him, I always tell him that you have inspired us in ways that I can never explain. You have actually taught us the power of holding the flag of our country and how to carry it with that pride. And I'm very, very happy that he's here with us today and this great song. Sir, you have composed the song really, really well. And when it's a Mithun composition, from my house to his studio, I'm just smiling because I can't wait what next he's gonna play to me that I'll get to sing. So thank you so much. तो आइए अब रुक करते हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों की तरफ और देखते हैं बॉक्स ऑफिस में किसने गाड़ा झंडा और किसको दर्शकों ने नकारा। एक बात बताओ, एक बार सोने से प्यार हो जाता है? सोने का तो पता नहीं, कई बार ना सोने से जरूर हो जाता है। लाइन मार रहे हो। हाल ही में अजय देवगन, तबू और रकुल प्रीत सिंह स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। सिंपल सी बात है, लड़का लड़की मिले, दोनों ने फ्लर्ट किया, दोनों को अच्छा लगा। अपनी अलग कहानी की वजह से फिल्म दर्शकों को हॉल तक खींचने में काफी कामयाब रही और शानदार कमाई कर रही है। कहते हैं शौक उम्र देख के पालने चाहिए। इसे प्रोड्यूस किया है लव रंजन ने और डायरेक्ट किया है आकिब अली ने। इस फिल्म में एज गैप वाली स्टोरी के अलावा लिव इन और तलाक जैसे मुद्दों को भी दिखाया गया है। यार मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूँ जो अपने से छोटी लड़की को डेट करने की सोच रहा है। लेट मी पुट दैट राइट, एक अमीर बुड्ढा और एक हॉट जवान बच्ची मिले, बच्ची को पैसा दिखा, बुड्ढे को जवानी दिखी, और अब जो दोनों के पास नहीं है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पता है शाह,
ये कार हमने शादी पे ली थी, इतने साल हो गए अब तक वैसी ही चल रही है। बट एक पॉइंट के बाद फीचर्स पुराने हो ही जाते हैं, बॉडी पुरानी हो जाती है, लुक्स पुराने हो जाते हैं, इंजन पुराना हो जाता है, नई का मजा ही अलग है। पुरानी अपनी जगह है, नए के अपने फायदे हैं। I just explained my character in a way. I mean, a character who's in a phase where he's happy. He's lived his life and finds somebody to relive his life. And how he decides, because we both share a relationship which is so honest, decides to decides to reveal this to them and wants this girl to meet the whole family, and the whole thing happens. No, because we have been separated for many years. I don't think it's clear in the communication in the trailer. It's not that we are cheating each other anymore, or anything of that sort. I'm not the family. I think people have the right to live their own lives after they are separated. And it's the best part is that they share such a great relationship, which you'll see in the film. I don't remember exactly, but I think I had fun last night. See, it's not about the age here then, it's about the person. And if I am attracted to that person and that person has the same wavelength as I do, then I don't have a problem with that. You know, at the end of the day, what is more important is ki do log kitna khush hain aur ek dusre ko kitna compliment karte hain. Aur agar aisa koi insaan hai, so I'm sure he must be young at heart. I mean, otherwise age is just a number. आप इतनी पुरानी हैं। 35 से एक दिन ज़्यादा नहीं लगती हैं मंजू जी। लगती है। To begin with, I'm very lucky to be offered all these different kinds of films and characters. I don't think an actor can ask for anything more than, you know, to have a variety and that you're not typecast in any kind of film or character. So I think I enjoy that. I like this character. This character is important to the film and this character has something to say, contribute to a story. पता नहीं लंदन में क्या होता है, यहाँ तो अपने से 20 साल बड़े बुजुर्गों को अंकल बोलते हैं। छोरी है तो छोरी बन के रहे, छोरा बनने की कोशिश ना करें। पापा ये बात आज भले ही ना माने, लेकिन एक दिन पापा खुद। वही दूसरी तरफ छोरियां छोरों से कम नहीं रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अपने मकसद पे हर हाल में पूरा कर। हर साल की तरह इस साल भी प्रथम आई है विनीता चौधरी। पापा ने पता चलेगा मैं सारे छोरा ने पीछे छोड़ के पतंग लूट के लाई सू, ते पापा जरूर मने शाबाशी देगा। कान के नीचे दूंगा तो जो आज के बाद छोरों के साथ खेलने गई तो। घनी मुश्किल में फंसा सा दिल के जैसे चैन बिना साइकिल। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सतीश कौशिक की इस फिल्म को पहली ग्रैंड हरियाणवी फिल्म कहा जा रहा है। तेरी ये जो जीत होगी ना बिन्नू, ये देश की हजारों लाखों लड़कियों को ये साबित करने का मौका देगी कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती। विनीता जयदेव चौधरी रिपोर्टिंग। सो उड़ी रे पतंग जैसे चोरी के हो गए रंग, बाकी देखो मस्त मलंग ही तो खुद बांध के लूटेगी जैसे लंग। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो फिल्मनामा बेहद पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप अपना फीडबैक हमें ईमेल के जरिए दे सकते हैं और साथ ही जुड़ सकते हैं हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए भी। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ये शो फिल्मनामा। आदाब।